हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर। और रीयूज्ड कंटेंट अगर तुम्हारे चैनल पर आ गया है तो आज के बाद फाइंड कर लोगे, पता चल जाएगा और भूल जाओगे रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है। चैनल हो जाएगा चुटकियों में मोनेटाइज और पैसे कमाने लगोगे तुम हजार, दस हजार, बीस हजार, लाखों में। लेकिन अब तुम सोच रहे होगे, भैया रीयूज्ड कंटेंट में फाइंड कैसे करूं, मुझे ये बता दो, बस मैं अपनी वीडियो से वो वाली वीडियो डिलीट कर दूं और चैनल को भेज दूं मोनेटाइजेशन में, चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाए किसी तरीके से, मैं 4000 घंटे कंप्लीट कर लूंगा। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि रीयूज्ड कंटेंट अगर आपने अपलोड कर दिया अपने चैनल पर तो कोई गलती नहीं की है, कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि आज एक चैनल मोनेटाइज हुआ है जिनका चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट ही है, वो दूसरे का ही कंटेंट यूज करते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। सबसे पहले आप एक वीडियो देखो। देख लिया आपने ये वीडियो, पहले इनका चैनल था रीयूज्ड कंटेंट, अब हो गया है मोनेटाइज। इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, सर मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा। मैंने इनको बताया हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आए, तो इन्होंने कहा सर मेरा फ्रेंड का भी ऐसे ही चैनल है, उसका मोनेटाइज है। मैंने कहा फिर तो बहुत अच्छी बात है, वेट करो और मोनेटाइज हो जाएगा तुम्हारा भी। तो मोनेटाइज इनका चैनल हो चुका है और मोनेटाइज होने के बाद इन्होंने क्या क्या प्रोसेस किया और सारी चीजें इन्होंने मुझे बताई। मैंने इनसे पूछा, देखो ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, मैं भी सीखता रहता हूं, तो जैसे जिसका चैनल मोनेटाइज होता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों का, अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं इसलिए मैं आपके साथ ये सारी जानकारी शेयर कर देता हूं। आपके पास हो सकता है कम मैसेज आते हो या कम लोगों से कांटेक्ट हो, तो मेरे पास आते हैं तो मैं सोचता हूं आपको भी बताऊं। अब इनके चैनल पर टोटली रीयूज्ड कंटेंट है, लेकिन रीयूज्ड कंटेंट भी इन्होंने दिमाग से यूज किया है। आपको भी वही काम करना है जो इन्होंने किया है। आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट अपलोड करते हैं, इंटरेस्टिंग बनाना होगा। इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कैसे, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने ना दो चैनल को पकड़ रखा है, दो अलग अलग क्रिएटर हैं, दोनों की वीडियो को कर देते हैं कंबाइन मिक्स और मिक्स करके फिर अपलोड करते हैं अपने चैनल पर। क्या हो गया, इंटरेस्टिंग बना के, और हमें जब देखने में आता है मजा, लिखते हैं कमेंट में बहुत अच्छी वीडियो है आपकी, आप तो कमाल कर दिए हो, तो यूट्यूब देखता है अच्छा इस वीडियो में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो यानी कि बंदे ने मेहनत की है, चलो मोनेटाइज इसका कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज है, यही चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जब तुम्हारी वीडियो कोई भी देखे तो कमेंट वमेंट में लिखे ना बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कहां से उठाया, कहां से दिमाग लगाए हो, तो रीयूज्ड कंटेंट यूट्यूब भूल जाता है कि रीयूज्ड कंटेंट, वो कहता है नहीं ये वीडियो ऑडियंस को पसंद आ रही है, इस वीडियो में ज्यादा दिमाग लगाया बंदे ने बनाते टाइम, एडिट करते टाइम, इसलिए इसको मोनेटाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, एक फोटो उठा लिया, एक म्यूजिक उठा लिया, अपलोड कर दिया, स्लाइड शो चला दिया, क्या इंटरेस्ट है भैया इसमें, नहीं इंटरेस्ट है, नहीं मोनेटाइज करेगा, ऐसे वीडियो बिल्कुल नहीं मोनेटाइज यूट्यूब करता। लेकिन वही चीज अगर तुम किसी की वीडियो उठाते हो, इंटरेस्टिंग बना देते हो, मिक्स कर देते हो, मिक्स करके फिर अपलोड कर देते हो, मोनेटाइज हो जाएगा, जैसे इस भाई का चैनल मोनेटाइज हुआ है। रीयूज्ड कंटेंट तुम्हारे चैनल पर अगर है तो ये चैनल तुम्हारा मोनेटाइज एक दिन में हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हें मैं बता रहा हूं यही चीजें करनी है। और दूसरी चीज, इन्होंने भी अपने चैनल से बहुत सारी वीडियो डिलीट की है, आपको भी करना पड़ेगा। डिलीट वीडियो कौन सी करनी होती है मैं बता दूं कि जिसमें किसी अपना कुछ काम ना किया हो, दूसरे का ही वीडियो टोटली हो, उस वीडियो को कर लेना डिलीट, बिना दिमाग खोले, बिना दिमाग वेस्ट किए, चुपचाप आंखें इसे बंद करो, डिलीट वाले बटन पर क्लिक करो, डिलीट कर दो। वीडियो डिलीट नहीं करोगे चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आपको बता दूं वीडियो डिलीट करना मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रीयूज्ड कंटेंट है, उससे तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं है। तुम चाहे जितनी वीडियो बना लो, यूट्यूब लिख के भेज देगा रीयूज्ड कंटेंट, रीयूज्ड कंटेंट, रीयूज्ड कंटेंट, और हटाएं कैसे, डिलीट कर दो, वॉच टाइम कंप्लीट कर लो, हटा दो, खत्म बात। और ज्यादा समझ में जब तुम्हें ना आए तो टैग करो मुझे इंस्टाग्राम पर, मैं बैठा हूं ना इंस्टाग्राम पर तुम्हें बताने के लिए एक एक चीज है। और अगर तुम्हें यह जानना है कि रीयूज्ड कंटेंट को फाइंड कैसे करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वीडियो रेडी है अपलोड कर दूंगा तुम्हारे लिए, पता चल जाएगी किस तरीके से एक ही चैनल पर कितनी बार रीयूज्ड कंटेंट आया है और किस वीडियो के कारण आया है। मैं आपको यह भी बता दूं आपके थंबनेल से भी रीयूज्ड कंटेंट आ सकता है, थंबनेल में भी अगर एक जैसा ही पिक्चर यूज किया है तो रीयूज्ड कंटेंट आ जाएगा। अगर आपने टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड गलत लिखे हैं तो भी दिक्कत हो जाएगी।
स्पैमिंग कीवर्ड लिखकर आ जाएगा, मोनेटाइज नहीं होगा। अगर तुमने किसी दूसरे का कंटेंट यूज किया, उठाया, कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, मोनेटाइज नहीं होगा। ये सारी बातें ध्यान में रखना। और तुम्हें बता दूं कि अगर तुम्हें अपने चैनल से रीयूज्ड कंटेंट हटाना है तो इंटरेस्टिंग वीडियो बनानी होगी, दूसरे का कंटेंट यूज करते हो इंटरेस्टिंग वीडियो बनानी होगी, और जो सॉन्ग या फिर म्यूजिक यूज किया हुआ है सिर्फ उठा के कॉपी पेस्ट करके उसे अभी डिलीट कर देना बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अभी डिलीट करना है कर दो। अगर रिस्क लेना है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर तुम्हें रिस्क लेना है तो मोनेटाइजेशन भेजो, मोनेटाइजेशन में भेजने के 5 मिनट के बाद डिलीट कर दो। अगर ये ट्रिक जब काम करती, जब तुम्हारे चैनल पर 2-3 रीयूज्ड की वीडियो हो, अगर तुम्हारे चैनल पर सारी रीयूज्ड कंटेंट ही है और फिर सोच रहे हो मोनेटाइजेशन में भेजने के बाद डिलीट कर दूं, तो वॉच टाइम कम हो जाएगा और मोनेटाइज नहीं होगा, ये पहले बता देता हूं। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि 1-2 वीडियो मेरी रीयूज्ड कंटेंट वाली और सारी मेरी है, तो मोनेटाइजेशन में भेजो, उसके बाद डिलीट कर दो वीडियो को, मोनेटाइज तुम्हारा चुटकियों में हो जाएगा। बहुत लोगों का हुआ है, तुम्हारा भी हो जाएगा। तो ये एक ट्रिक थी, ये जानकारी था, और इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया क्योंकि भाई ने मुझे टैग किया था और मैंने सोचा आप लोगों को बताया जाए कि एक और रीयूज्ड कंटेंट मोनेटाइज हो गया चैनल और आपका भी चैनल अब हो जाएगा मोनेटाइज। हम बहुत से चैनलों को देख रेख करते हैं, अपने पास हमारी टीम है जिनसे हम करवाते हैं चैनल को। तो अगर आप अपने चैनल को रिव्यू करवाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे DM करना, मैं आपके चैनल को रिव्यू करके बता दूंगा आपको कि किस तरीके से आपको अपने चैनल पर काम करना है और सारी डिटेल में जानकारी दे दूंगा। एक बार में जो बता दिया ना, चैनल तुम्हारा समझ लो मोनेटाइज हो गया। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।